समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से दो दिवसीय दौरे पर जौनपुर पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां पर विजय रथ यात्रा निकाली, सभी विधानसभा क्षेत्रों में यात्राओं की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर जाफराबाद विधानसभा क्षेत्र के धर्मापुर क्षेत्र में उन्होंने पहुंचकर सभा को संबोधित किया। कोतुपुर चौराहे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां से मलहनी बाजार पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, दोनों इंजन आपस में टकरा गए हैं। इसके बाद जमुनिया में भी अखिलेश यादव ने सभा की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे और जौनपुर में ही रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र रखा था। आज जब समय पूरा हो गया है 5 साल का, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र पर दोबारा देखना चाहिए। पहली जो उनकी घोषणा थी वो ये थी कि किसानों की आय दोगुनी होगी। इस समय जहां महंगाई बढ़ गई है, लोगों की आमदनी कम हुई है, बचत है नहीं, तो कमाई जब नहीं बची है, और अगर हम आकलन करें तो आज सभी की आधी कमाई हो गई है और महंगाई दोगुनी है, तो जिस समय आधी कमाई होगी और महंगाई दोगुनी होगी तो खुशहाली कैसे आएगी? क्या आज के समय पर किसानों को खाद मिल रही है? डीएपी का पर्याप्त इंतजाम है? यूरिया क्या मिल पा रही है? किसान की खेती और किसान की किसानी को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और इस बारे में बात करते हैं सारा समय के संवाददाता हसनैन कमर से। हसनैन, हमने कुछ देर पहले चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को सुना। जाहिर तौर पर जबरदस्त चुनावी अंदाज में और सियासी अंदाज में वो वार कर रहे थे बीजेपी सरकार पर, भीड़ भी अच्छी खासी रही। किस तरह का वहां के लोगों का मिजाज समझ में आया अखिलेश को लेकर, क्या वहां पर चर्चाएं शुरू हुई है? ओम प्रकाश राजभर भी हमें उनके साथ नजर आए थे। जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि पूर्वांचल का सबसे बड़ा गढ़ अगर माना जाए तो जौनपुर है। जौनपुर में 9 विधानसभा क्षेत्र है और जो जातिगत समीकरण, यहाँ सभी समुदाय के सभी जाति के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए अखिलेश यादव ने यहाँ पे खास तौर पे 2 दिन का जो अपना कार्यक्रम दिया है, तो जिस तरीके से उनका उत्साह है और लोग यहाँ पे उनका स्वागत कर रहे हैं और उसी तरह वो बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं, तो जिस तरीके से देखने को आ रहा है कि यहाँ पे चाहे माइनॉरिटी के हों, चाहे मौर्य बिरादरी के हों या बैकवर्ड हो, सारे लोग यहाँ पर आए और एक अच्छा मैसेज यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव, आगे किस तरीके से कार्यक्रम बढ़ेगा हसनैन ये बताइए, क्योंकि ये जो विजय रथ यात्रा थी कानपुर से शुरू होकर पूर्वांचल पहुंच चुकी है, जौनपुर में चूंकि 2 दिन का उनका कार्यक्रम है, तो ये कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ने वाला है इस बारे में जानकारी दें। देखिए, जौनपुर में तकरीबन आज उनको कम से कम 7 जनसभाओं को संबोधित करना था और अभी वो 3 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं, अभी 3 इनको और करनी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 9 विधानसभा है उस पर उनका फोकस है और यहाँ पर अगर आपको बात की जाए तो पिछले चुनाव में 17 में यहाँ पे 3 विधायक उनके जीत के आए थे और जो और लोग थे वो सेकेंड पोजिशन पे थे। तो अखिलेश यादव की ये कोशिश है कि यहाँ पे जो उनके लोग हैं उनको इकट्ठा कर सके अपने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए मिलाकर इन चुनावी जनसभा के जरिए 9 विधानसभा सीट